हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान में शैशव अवस्था को। पहले हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा बाल विकास, दूसरा चैप्टर पढ़ा था हमने बाल विकास के सिद्धांत। आज पढ़ना है शैशव अवस्था के बारे में। मनोविज्ञान में हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं। यूपीटीटी के लिए, यूपीटीटी 2021 के लिए हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने बाल विकास और बाल विकास के सिद्धांत को हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ना है बाल विकास की अवस्थाएं। तो हम बाल विकास की अवस्थाओं की बात 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 करें तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की, सो गाइस, हमें जो हम बाल विकास पढ़ रहे हैं यूपी टीईटी के लिए, इसमें मुख्य रूप से हमें तीन अवस्थाएं पढ़नी है। पहली अवस्था पढ़ना है शैशवावस्था। शैशवावस्था का समय है 0 से 6 वर्ष तक। फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का समय है 6 से 12 वर्ष। और फिर है किशोरावस्था। किशोरावस्था का समय है 12 से 18 वर्ष। तो तीन अवस्थाएं हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। और इसके बाद कुछ प्रश्न, थोड़ा बहुत जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे आपके गर्भावस्था से। थोड़ा बहुत जो प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे गर्भावस्था से, यानी कि 9 माह तक, गर्भाधान से 9 माह तक। यहाँ से आपका एक कुछ प्रश्न थोड़ा बहुत बन सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मेन आपका ये है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके बाद में आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था आपकी आ जाती है 18 वर्ष के बाद। 18 वर्ष के बाद, हालांकि कुछ लोगों ने इसको युवावस्था माना, कुछ प्रौढ़ावस्था माना है, लेकिन हम एक बार में कह देते हैं कि प्रौढ़ावस्था। ठीक है, हमें मतलब किन से है? इन तीनों से ज़्यादा मतलब है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तीन अवस्थाओं से हमें बहुत ज़्यादा मतलब है, इन्हीं तीन अवस्थाओं को हमें पढ़ना है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो विकास होता है, कल हमने बताया था, विकास जो होता है वो सर से पैर की तरफ होता है, जिसको मस्तिका दोमुखी कहते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, शैशवावस्था पढ़ना है हमने बाल। फिर है प्रोफेसर स्ट्रैड। प्रोफेसर स्ट्रैड का कहना है मनुष्य का 70 से 80% विकास, 70 से 80% विकास शैशवावस्था में भी हो जाता है, शैशवावस्था में ही हो जाता है। प्रोफेसर स्ट्रैक का कहना है कि मनुष्य का 70 से 80% विकास वो कैसा होता है, शैशवावस्था में ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि शैशवावस्था का समय 0 से 6 वर्ष होता है, इसको हम न्यू की संज्ञा दे सकते हैं। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष का समय होता है, इसको हम दीवार कह सकते हैं, यानी कि जो न्यू बनेगी उसके आधार पर बच्चे का विकास होगा, दीवारें बनेगी। किशोरावस्था को हम छत कह सकते हैं, यानी कि छत का मतलब है कि मकान पूरा हो गया, यानी कि जो उसका विकास होना था वो पूरा हो जाता है किशोरावस्था में, है ना। तो किशोरावस्था में जो है कि कहा जाए कि कंप्लीट मकान बन जाता है। बाल्यावस्था में दीवार बनी थी, क्या मकान कंप्लीट है? मकान कंप्लीट नहीं है। मकान कब कंप्लीट होता है? जब छत डल जाती है। ठीक है, बाकी तो बात की जो छपाई पुताई होती है वो तो बाद का काम है, लेकिन मेन होता है छत। छत बन गई हमारी, इसे जीवन का क्या कहा जाता है? आदर्श काल कहा जाता है। इसे अनोखा काल कहा जाता है। अनोखा काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। बालक को जो भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में ही बन जाता है, ये किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है। और मनुष्य का 70 से 80% विकास
शैशव अवस्था में ही हो जाता है, ये कहा है प्रोफेसर स्ट्रैग ने। अब देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं हमें देखना है। तो शैशवावस्था की जो विशेषता होती है, सबसे पहली विशेषता होती है शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास क्या होता है? बड़ी तीव्र गति से होता है। आपने देखा कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी स्पीड से बड़े होते हैं। हम लोगों की उतनी लंबाई अब ग्रोथ रुक चुकी है, ग्रोथ नहीं होगी। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसकी लंबाई धीमे धीमे बढ़ती है। लेकिन जो शैशवावस्था वाला बच्चा होता है, उसकी स्पीड बड़ी तेज होती है, बड़ी तीव्र स्पीड होती है। हर साल उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं, अगले साल उसको नए कपड़े लेने पड़ते हैं। दूसरा, मानसिक विकास तीव्र होता है। क्या होता है? शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों सबसे, अगर पूछा जाए कि पूरे जीवन काल में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास कब होता है, तो शैशवावस्था। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मानसिक विकास कब होता है, तो शैशवावस्था में। ठीक है, तो जब भी तीव्र की बात हो कि सबसे तीव्र मानसिक विकास कहाँ पे हो रहा है, तो शैशवावस्था। सबसे तीव्र शारीरिक विकास कहाँ हो रहा है, तो भी शैशवावस्था में होता है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है? अकेले खेलने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था वाला बच्चा अकेले खेलता रहता है, उसे किसी से मतलब नहीं होता। आपने देखा होगा 0 से 6 वर्ष का बच्चा, वो अकेले अपने आप में मस्त रहता है, वो अकेले ही वो खेलता रहता है। चौथी इसकी विशेषता होती है कल्पना और जिज्ञासा। सबसे अधिक होती है कल्पना और जिज्ञासा, सबसे अधिक होती है। पांचवी इसकी विशेषता क्या है? नैतिकता का अभाव रहता है। नैतिकता का क्या रहता है? अभाव रहता है। ठीक है, छोटा बच्चा, उसको क्या नैतिक ज्ञान होगा? कोई नैतिक नहीं होगा। फ्रायड कहते हैं, फ्रायड का मानना क्या है? फ्रायड कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, तो वो पशु ही होता है। पशु के सारे गुण उसके अंदर होते हैं, उसके अंदर पाशविक प्रवृत्ति होती है। जब बच्चा पैदा होता है, तो वो एक पशु के समान ही होता है। जिस प्रकार से पशु पूरा पूरा दिन जो है कि भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं, इसी तरीके से छोटा बच्चा पूरे समय पूरा दिन भोजन की तलाश में ही घूमता रहता है। जब भी उसको आप कोई चीज़ देंगे, तो सीधे मुँह में ही उसको रख लेता है, खाने लगता है। यानी कि उसकी एक ही पूरे दिन में तलाश रहती है, भोजन की तलाश, जिस प्रकार से पशु करते हैं। और भी कई सारी उसकी रीजन है, जो कि जैसा कि पशुओं का व्यवहार होता है, वैसे ही छोटे बच्चों का होता है। यानी कि फ्रायड कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके अंदर पशु एक प्रवृत्ति होती है, पशु की तरह व्यवहार करता है, और इंसान वो बाद में बनता है। पहले वो एक पशु होता है, बाद में धीरे धीरे जैसे उसको ज्ञान होता है, वो अध्ययन करता है, सीखता जाता है, तो बाद में क्या होता है, वो इंसान बन जाता है। तो फ्रायड का मानना है यहाँ पर छठवीं इसकी विशेषता है बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। बालक का व्यवहार क्या होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। और हम बताएंगे जो फ्रायड होते हैं, फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियां कितनी मानी है? 14 मूल प्रवृत्ति मानी, वो भी हम आपको लिखवा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक बार शैशवावस्था की विशेषताएं, रिवीजन भी करते जाते हैं,
इसमें शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है, अकेले खेलने की इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है, अकेले मिट्टी वगैरह से, कंकड़ वगैरह से, पत्थर वगैरह से वो खेलता रहता है, कल्पना और जिज्ञासा की सबसे अधिक होती है, नैतिकता का इसमें अभाव रहता है, छोटे बच्चे नैतिक नहीं होते, उनको नैतिक कोई भी ज्ञान नहीं होता है, बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, और साथ में इसकी विशेषता है पर निर्भरता। तो गाइस देखा आपने साथ में जो इसकी विशेषता है वो क्या है, पर निर्भरता, यानी कि जो शैशवावस्था वाला बच्चा होता है वो पूरी तरीके से दूसरे पर निर्भर होता है, उसको भूख लगेगी तो वो दूसरे पर निर्भर है, कोई भी चीज उसको चाहिए, कपड़े पहनना है, कुछ भी करना है, तो वो क्या करता है, पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होता है, तो उसको कहते हैं पर निर्भरता। आठवीं इसकी विशेषता क्या है, काम प्रवृत्ति की तीव्रता। मैकडूगल का मानना है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें काम प्रवृत्ति की सबसे अधिक तीव्रता होती है, काम प्रवृत्ति सबसे ज्यादा अगर कभी कहाँ होती है तो शैशवावस्था में होती है, ऐसा फ्रायड का मानना है। तो फ्रायड कहते हैं कि काम प्रवृत्ति सबसे अधिक तीव्र गति से कहाँ होती है, तो वो होती है शैशवावस्था में होती है। नौवीं इसकी विशेषता है सीखने की गति सबसे तीव्र होती है, सीखने की गति सबसे तीव्र होती है, और दसवीं इसकी विशेषता है अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, तो सीखने की गति क्या होती है, सबसे तीव्र होती है, बच्चा सबसे तीव्र गति से अगर कहीं सीखता है तो वो शैशवावस्था में सीखता है, और इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, जैसा जैसा आप करोगे वैसे वैसे बच्चा व्यवहार करता जाएगा, तो इसमें अनुकरण की यानी कि दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अनुकरण की प्रवृत्ति यानी दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चा आपकी सारी चीजों को क्या करता है, दोहराता है। तो ये हमारा यहाँ पर आज शैशवावस्था की क्लास खत्म हुई, अगली क्लास में हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, और हमने लाइन से सारे नोट्स बनवाए हुए हैं, बाल विकास, बाल विकास के सिद्धांत, तो आज शैशवावस्था चला, कल बाल विकास की बाल्यावस्था चलेगी, फिर उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद जितनी भी हमारी जो मनोविज्ञान की जो थ्योरी है वो सारी थ्योरी हम ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, आपको यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट, यानी कि जितने भी टेट हैं, कोई भी ऑल इंडिया में कहीं पे भी टेट हो रहा है, उन सब की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप इनके हम बिल्कुल लाइन से सारे नोट्स बनवाएंगे, और हाँ लाइन से नोट्स बनवाते जाइए, इसके बाद में हम आपको लास्ट में प्रैक्टिस एडवाइस का प्रोवाइड कराएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या एमपी टेट की या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी इसमें डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमें कॉल करके भी बता सकते हैं, यहाँ पर हमें डाउट है उस चीज़ को हम आपको समझा देंगे।